एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दे रखा, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जो ये लाइन एल है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी जो है एल पॉइंट के, एल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है। एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द सेम टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। शो दैट, देखो ये बी क्यू और बी पी दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ठीक है, ये ए पी लाइन के ऊपर और ए क्यू लाइन के ऊपर। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। देखो सबसे पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ये दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी। एंड जो दूसरी ट्राइंगल दे रखी है वो है ए क्यू बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन में दे रखा है जो ये एल लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी बी ट्राइंगल का, ए पी बी ट्राइंगल का ये एंगल, एंगल बी ए पी क्या लिखेंगे हम, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी के इक्वल होगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल जो लाइन है वो एंगल ए की क्या है, बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ए बी इज इक्वल टू ए बी दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में कॉमन लाइन है ये, तो ये आ जाएगा कॉमन। और थर्ड हम ये वाला एंगल 90 का है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 का है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, ये आ जाएगा इज 90 डिग्री। अब देखो दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, कौन कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और साइड कौन सी है, ए बी, तो एंगल के से अलग साइड है, एंगल के बीच वाली साइड नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी एंगल एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, सेकंड क्या प्रूव करना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखो ये प्रूव करना हमें बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से जो बी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, तो बी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यू, कैसे आएगा ये, सी पी सी टी लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से आ जाएगा ये। उसके बाद ये हमें प्रूव करना था, अब सेम यही चीज़ लिख रखे, देखो बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, जो बी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, कौन से, जो एंगल ए की आर्म्स है ना ये और ये, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वल डिस्टेंस मतलब बी क्यू और बी पी इक्वल प्रूव करने थे, वही हमने प्रूव कर दिया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की फिगर दे रखी है, गिवन में हमें दे रखा ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, हमें बी सी और डी ई इक्वल प्रूव करने हैं। देखो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, गिवन में क्या क्या दे रखा, ए सी और ए ई इक्वल दे रखे हैं, ये ए सी है इस, ये ए ई के इक्वल दे रखा है, ए बी जो है ए डी के इक्वल दे रखा है, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल है किसके इक्वल दे रखा हमें, एंगल ई ए सी के इक्वल, इस एंगल के इक्वल दे रखा हमें। प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम, ट्राइंगल लेके चलेंगे बी सी, ये प्रूव करना है बी सी ये वाली ट्राइंगल में, कौन सी ट्राइंगल में, बी सी साइड ए बी सी में, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल डी ई साइड देखें हम कौन सी ट्राइंगल में आएगी, ए डी ई में, तो इन ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर सी पी सी टी से बी सी और डी ई इक्वल आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी साइड और ए ए डी ई ट्राइंगल में ए डी साइड, दोनों इक्वल हैं, क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन में
दे रखा है। सेकंड पार्ट एबीसी ट्रायंगल में, देखो एबीसी ट्रायंगल में एसी लाइन, तो एसी इज इक्वल टू, और ए ई डी ट्रायंगल में ए लाइन, दोनों इक्वल हमें गिवन में दे रखे हैं, तो ए सी इज इक्वल टू ए, ये भी हमें गिवन में दे रखा है। थर्ड देखो, हमें गिवन में एंगल ये दे रखा है, एंगल कौन सा, बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हमें गिवन में दे रखा है एंगल ई ए सी, ये तो हमें गिवन में दे रखा है, लेकिन देखो हमें एंगल चाहिए कौन सा, ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में, तो ए बी सी ट्राइंगल का एंगल लेना पड़ेगा ये पूरा एंगल हो, और ई ए सी ट्राइंगल के लिए ये पूरा एंगल हो, तो ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर दें, अगर इसमें भी ये वाला एंगल ऐड कर दें बीच वाला, क्या डी ए सी एंगल, और इसमें भी डी ए सी एंगल ऐड कर दें, तो भी ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो क्या लिखेंगे अब, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों तरफ हमने डी ए सी ऐड कर दिया। अब देखो बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी में डी ए सी ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल बन जाएगा कौन सा, बी ए सी, तो ये आ जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी, ई ए सी में हम ये डी ए सी ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल आ जाएगा कौन सा, डी ए ई, ये एंगल आ जाएगा एंगल डी ए ई। अब देखो दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो और एंगल कौन सा, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल थी, बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएंगी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या प्रूव करना है हमें, देखो बी सी और डी इक्वल प्रूव करना है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी ई के, किससे आ जाएगा ये, बाय सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यही हमें प्रूव करना था।